तो बात करते हैं नेमिंग ऑफ साइक्लिक ईथर की। पहले तो साइक्लिक ईथर होते क्या हैं, देखिए ये साइक्लिक ईथर है या नहीं है, ये साइक्लिक ईथर है या नहीं है, अब इसको मैं ऐसे लिखूं तो कौन मुझे मना करेगा, ये सेम है, ये है मोनोसाइक्लिक ईथर। मतलब मोनो का मतलब एक ही ऑक्सीजन वाले, क्या एक से ज्यादा होंगे तो क्या करेंगे, और एक है तो क्या करेंगे, दोनों की नेमिंग अलग अलग होगी। समझ में आ रही है बात? तो मैं आपके साथ यही शेयर करने वाला हूं कि पहले अगर एक ही ऑक्सीजन है साइकिल में तो क्या होगा, यानी सिंगल ऑक्सीजन साइक्लिक, सिंगल ऑक्सीजन साइक्लिक ईथर। तो लिख लीजिए सिंगल ऑक्सीजन साइक्लिक ईथर। तो मैं यहां पर फंक्शन ग्रुप कैसा दिखेगा आपको, इस तरह का दिखेगा। सफिक्स या प्रेफिक्स, प्रेफिक्स क्योंकि वैसे भी हम जानते हैं सफिक्स तो होगा नहीं इसका, ईथर के सफिक्स नहीं होते, तो यहां पर प्रेफिक्स क्या रहेगा, इपॉक्सी, क्या रहेगा इपॉक्सी। पोजीशन बता दीजिएगा जो उसकी पोजीशन है, इपॉक्सी। और आईयूपीएसी नेम क्या होगा, इपॉक्सी एल्केन। करते हैं कुछ एग्जांपल, सबसे छोटी साइकिल ईथर से एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। तो नंबरिंग यहां से होगी 1 2, इसको बोलेंगे 1,2 इपॉक्सी इथेन। एक और एग्जांपल लेते हैं, अब क्या बोलेंगे इसको, 1,2 इपॉक्सी प्रोपेन। यानी हमें चेन तो सबसे बड़ी सेलेक्ट करनी है, 1 2 3। एक और एग्जांपल लेते हैं, अब कैसे नाम देंगे इसको, 1, नहीं नंबरिंग कहीं से भी कर लो, 1 2 3, वहां से करो जहां से इपॉक्सी पास में आए, तो 1 2,3 इपॉक्सी ब्यूटेन। सही है, एक और एग्जांपल लिखते हैं हम, क्या लिखा जाएगा इसका नाम, जल्दी से बताएं, 1,3 इपॉक्सी ब्यूटेन, 1,3 इपॉक्सी ब्यूटेन। हाँ अगर वो ऐसे बनाता तो हमें लगता अजीब सा कि ये कर क्या रहा है, लेकिन नंबरिंग यहां से होती है इसकी, 1 2 3 4, 1,3 इपॉक्सी ब्यूटेन। डर जाता है बच्चा ऐसे बनाती, आ गई बात समझ में। एक और एग्जांपल, नंबरिंग कहां से करोगे, हमें ये पूरा कवर करके चलना है, 1 2 3 4 5 6, समझ में आ रही है बात, मेरी बात लैंग्वेज। तो क्या हो जाएगा, साइक्लिक ईथर है, 1 2 3 4 5, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, 1,5 इपॉक्सी इथेन। एक बार तो बच्चे को लगेगा साइक्लो वर्ड तो आया ही नहीं, हेक्सेन है क्या, ठीक है इपॉक्सी हेक्सेन। साइक्लिक वर्ड ढूंढने की कोशिश कर रहा होगा बच्चा, जबकि यहां साइक्लिक लग ही नहीं रहा है क्योंकि हम इपॉक्सी के लिए देख रहे हैं। लेकिन अगर एक से ज्यादा है साइक्लिक ईथर, लेकिन एक से ज्यादा ऑक्सीजन, यानी केस सेकंड, मोर देन वन ऑक्सीजन, मोर देन वन ऑक्सीजन साइक्लिक ईथर,
तो साइक्लिक ईथर को अब आप कैसे देखेंगे? करिए इसको जल्दी से बताएं, इसमें अपन क्या देखेंगे? देखिए बहुत अच्छा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ये कितने ऑक्सीजन है? तीन। इस तरह के कंपाउंड के नाम अलग ही तरह से डिफाइन किए, इसको भी नंबरिंग में काउंट करेंगे आप। ऑक्सीजन को भी कार्बन की तरह ट्रीट कर रहे हैं यहां पर नंबरिंग में, 1 2 3 4 5 6। और इस तरह से बोलेंगे अलग ही रूल चालू कर दिया, यानी ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, नाइट्रोजन हो, बीच में इस तरह में, और बहुत ज्यादा हो, सबके लिए लग गया ये रूल। अब क्या यहां पर सल्फर नहीं आ सकता था? आ सकता था। क्या यहाँ एनएच नहीं आ सकता था? एनएच की कितनी वैलेंसी होती है? दो, एक इस तरफ हो जाती। तो हम सबके लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन के लिए यूज करेंगे ऑक्सा। तो नंबरिंग क्या होगी? 1, 3, 5 ट्राई ऑक्सा, ओ एक्स ए ऑक्सा, साइक्लो हेक्सेन। हेक्सेन इसमें कितने कार्बन है? तीन, लेकिन टोटल एटम कितने है? छः। तो साइक्लो हेक्सेन चलेगा, लिख लीजिए इसको। तो इस हिसाब से एक और एग्जांपल बन सकता है आपका। इस एग्जांपल का नाम क्या होगा? बनाए खुद, डू योर सेल्फ। एनएच होता है तो एजा हो जाता, ओ होता है ऑक्सा हो जाएगा, सल्फर हो जाता तो थाया, टी एच आई ए, ये लिख लेंगे, थाया ऑक्सा एजा लिखे। अब यहां पर नंबरिंग यहां से 1 2 3 4, तो क्या लिखेंगे? 1, 3 डाई ऑक्सा साइक्लो ब्यूटेन लिखे इसको। और अगर कोई ऐसा एग्जाम्पल आता है तो आप बिल्कुल तैयार हैं। नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 क्या लिखेंगे यहाँ पर? 1, 3, 5 ट्राई एजा साइक्लो हेक्सेन। किस आधार पे? इस आधार पे। आ रही है बात समझ में? तो बहुत आसान है, कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लिखें इसको।